अंजलि हो गई पैकिंग सारी? ऑलमोस्ट डन। गुड। अच्छा सुनिए ना, बताइए ना जेठा भाई का सरप्राइज क्या है? अभी मुझे कैसे पता होगा अंजलि? आपको तो पता होगा ही ना, जेठा भाई आपके परम मित्र है, आपको पूछे बिना एक भी काम नहीं करते वो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको या तो कुछ पूछा होगा या बताया होगा, बताइए ना प्लीज। अंजलि मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता, माना कि वो मेरा परम मित्र है, लेकिन इस बार ना तो उसने कुछ पूछा, ना कोई बात की, ना कुछ बताया, यहाँ तक कि मैंने फोन किया तो भी नहीं बताया। अजीब बात है। अजीब तो है। चलिए छोड़िए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ भाई, भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो, वरना जेठालाल की कुंडली तो तुम जानती हो, ऐसी टेढ़ी कुंडली है कि सीधा काम करने भी जाएगा ना तो टेढ़ा ही होगा। अब ये जो सरप्राइज दे रहा है, इस चक्कर में कि लेने के देने ना पड़ जाए, मुझे इस बात की चिंता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ खुशी खुशी हो जाए, त्योहार अच्छे से बीते। खुशी खुशी बीतेगा तारक, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबका सुबह 4 बजे रेडी हो जाना, और 4 बजे रेडी होने के लिए सबको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। अंजलि उठो भैया, 3 बज गए। यस, 3 बज गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दादाजी, दादाजी उठिए, 3 बज गए। हंस उठो। कोमल हाँ, और एक गुलाब जामुन खाने दो ना। हंस उठो, जाना है। I'm so excited, come on fast। उठा। 3 बज गए। हाँ उठ गए। सो गए। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। वाह वाह वाह, बस भी आ गई टाइम टू टाइम, क्या बात है। आओ, मैं रेडी हुआ। देखो बस भी आ गई टाइम टू टाइम। यस यस यस। और सोनू रेडी है? हाँ वो भी रेडी है। तो एक काम करो, तुम जरा जाओ और चेक करो गैस बंद है कि नहीं, नल बंद है कि नहीं, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग बिल्डिंग मास्टर, गुड मॉर्निंग चाचा जी। बस आ गई है और हम सब तैयार है जाने के लिए। हाँ मैं और टप्पू भी तैयारी है। नहीं नहीं, आप दोनों तो तैयार होंगे ही, मुझे मालूम है, लेकिन वो जेठालाल वो तैयार है ना? क्या उसको सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती है ना, इसलिए? नहीं नहीं, वो भी शायद तैयारी है। ठीक है ठीक है, तो आप लोग आ जाइए, हम लोग तब तक नीचे पहुँचते हैं। ठीक है। तैयार तो हो गया होगा ना? दादाजी डोंट वरी, मैं उठते ही पापा को उठाकर उनके अंदर ब्रश थमा कर आया हूँ। फिर भी एक बार देख के आता हूँ वो तैयार हुआ है कि नहीं। बापूजी आप? बापूजी भाई, रात को तो बड़ी बड़ी नींदे आ गया था कि मेरी सरप्राइज है, तो देखना सबसे पहले मैं ही रेडी हो जाऊंगा। ये रेडी है? ये रेडी है तू? और क्या बोल रहा था तू है कि 4 बजे निकलना है तो 3 बजे तो जागना पड़ेगा ना, तो मैं आपको जगा दूं बापूजी। कल सुबह से बोल रहा है जबरदस्त सरप्राइज, जबरदस्त सरप्राइज है। सबको रात को 3 बजे उठा के तैयार करवाया, सब लोग जाने के लिए रेडी, नीचे बॉस भी आ गई, और तेरे अलावा किसी को पता भी नहीं कि जाना कहाँ है, और तू यहाँ हाथ में ब्रश लेके खड़ा के ले रहा है। अभी फटाफट में तैयार हो जाता हूँ बाबूजी, फटाफट। अभी मतलब नहाएगा नहीं, खाली ब्रश करके कपड़े पहन लेगा? नहीं नहीं बाबूजी, नहाना तो पड़ेगा ना। नहाना पड़ेगा? नहीं नहीं, मतलब फटाफट खंखोड़ी खाके फटाफट रेडी हो जाता हूँ। और खंखोड़ी खाते खाते बगासा खा लिया तो नहाते नहाते सो जाएगा? नहीं नहीं, नहाते नहाते कौन सोता है बापूजी? तू और कौन? वो तो बचपन में बापूजी, अब कहाँ, वो आदत को छूटा तो बरसों हो गए। और वैसे भी बापूजी, अभी आपने ठंडे ठंडे पानी का गिलास मेरे मुंह पे दे मारा, मेरा मतलब है अभी तो मेरी नींद एकदम उड़ गई है, अभी तो सवाल ही नहीं है मुझे नींद आए। 10 मिनट देखिए, सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास, अगर 10 मिनट के अंदर तू तैयार होकर नीचे नहीं आया ना, तो मैं बॉस को वापस भेज दूंगा। हम सब यही गोकुल धाम में ही मकर संक्रांति मनाएंगे। अरे नहीं बापूजी, 10 मिनट क्या, 9 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, 9 मिनट में फटाफट। क्या हुआ दादाजी, पापा रेडी है ना?
अरे क्या रेडी है, ब्रश हाथ में पकड़ के सो रहा था। क्या? मैं उसे बोलकर आया हूँ, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आया तो मैं बस वापस भेज दूंगा। हम लोग संक्रांति यहीं पे मनाएंगे। पर दादाजी। बार बार कुछ नहीं बेटा, तू तैयार है ना? हाँ। तो चल सामान लेकर नीचे। अरे सब आ रहे धीरे धीरे। चलो टप्पू आ गया है, सोनू गोगी पिंकू यहाँ पे, गोया रह गया, गोया अभी तक नहीं आया। अंकल वो नाश्ता कर रहा होगा इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। अरे वाह चाचा जी, देखिए सरप्राइज क्या है, कहाँ जाना ये बिना जाने सब लोग उत्साह के साथ ठीक 4 बजे हाजिर है, सिवाय जेठालाल के। अरे हाँ चाचा जी, जेठा जी कहाँ पे, वो अभी तक आए क्यों नहीं यहाँ पे? वो तैयार हो रहा है। ओह माय गॉड, अभी तक तैयार हो रहा है? अभी तो मैंने तुमको बोला था ना कि लास्ट मोमेंट पर जेठालाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मैंने भी बोला था माधी तुम्हें कि जेठाल के आयोजन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी देखो ना सब आ गए, वही नहीं आए, जबकि उसको यहाँ पे सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए था, उसने आयोजन किया है ना। टप्पू क्या है भाई ये, तुझे जेठालाल को पहले उठाना चाहिए था, पता है ना भाई इतनी सुबह सुबह निकलना हमें। अंकल पापा उठ ही गए हैं, तैयारी हो रहा है। अरे जेठालाल ऐसा क्या तैयार हो रहा है जो अभी तक आया नहीं? देखो उसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है, उसने तो जेठिया को जल्दी जगा ही दिया, लेकिन वो जेठिया पलंग पे हाथ में ब्रश लेके बैठे बैठे सो गया। आईते बैठे सो गया, पर हमको 3 बजे उठाकर और खुद हाथ में ब्रश लेके सो गया। बोल जेठालाल इज होपलेस। चाचा जी उनकी करेंगे, कब तक वेट करिए? कैंसिल कैंसिल भाई, जेठालाल को छोड़ो, हम सब उसके बिना ही चले जाते। कहाँ जाएंगे पोपटलाल? अरे हाँ कहाँ जाना है ये तो जेठालाल को ही पता है। मां देखो मैं उसे बोल के आया हूँ, अगर वो 10 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं है तो मैं बस वापस भेज दूंगा। हम सब लोग यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में ही पतंग उड़ाएंगे। नहीं नहीं दादाजी ऐसा मत बोलिए, हम लोग जेठा अंकल के सरप्राइज के लिए कितने एक्साइटेड है। हाँ हाँ चाचा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमने तो कितना सोचा था ये सरप्राइज होगा वो सरप्राइज होगा। हाँ चाचा जी सबके उत्साह में पानी फिर जाएगा। चाचा जी आपने जेठालाल को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया था ना, उसमें से 7 मिनट तो चला गया। लेकिन नैयर अंकल अभी भी 3 मिनट बाकी है, एंड आई एम 100% श्योर पापा 3 मिनट में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर वो 3 मिनट में नहीं आया ना टपुरा, तो मैं बस को वापस भेज दूंगा, मतलब भेज दूंगा, ये मेरा अंतिम निर्णय। अगर जेठा भाई 3 मिनट में नहीं आए तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये जेठा को कुछ पड़ी ही नहीं है, हम सब यहाँ पे तैयार है और अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो ये जेठा अगर टाइम पे नहीं आया ना तो बस तो वापस भेज नहीं दूंगा, जेठा को भी कड़ी सजा दूंगा। चाचा जी क्या सजा देंगे? मैं जेठिया को अगले 3 महीने तक रोज सुबह 3 बजे उठा के सोसाइटी कंपाउंड के 30 चक्कर मरवाऊंगा। करेक्ट है, जेठालाल को ऐसा ही सजा होना चाहिए, सबका मूड स्पॉइल कर दिया। चलो घर चलते हैं। चलो रुके प्लीज 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 थोड़ी, वो बस के ड्राइवर को बुला। चाचा जी लेकिन छोड़िए, मुझे कहा ना बस के ड्राइवर को बुला। बुला 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 छोड़िए। हाँ जी चाचा, ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब एक मिनट आओ जरा प्लीज। जी साहब। बोले साहब। देख भाई तुझे जिसने यहाँ आने के लिए कहा था ना, वो अगर अगले 3 मिनट के अंदर नीचे नहीं आया तो आज का बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल, तुझे बस लेके वापस जाना पड़ेगा। साहब लेकिन देख भाई तू चिंता मत कर, तेरा जो कुछ भी नुकसान होगा वो मैं भर दूंगा। ठीक है साहब। अगर जाना कैंसिल हो गया तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। ओए सोनिया तू टेंशन मत ले, और आप पे भरोसा कर सब ठीक हो जाएगा।
जेठालाल। अबू हो गई होगी देर, वैसे जानबूझ के थोड़ी सबको कंपाउंड में सुबह 4 बजे जमा करेंगे। हाँ मतलब हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम हो गया हो, which we don't know about. बस 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 अरे बागेश्वर जी, आपके सेठ जी लेटालाल जी नहीं आए? बावरी जी लेटालाल जी नहीं, वो लेटालाल ही है। बावरी पहली बार तुमने एकदम करेक्ट बोला, वो लेटालाल है और हमेशा लेट ही आता है। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो हाथ में ब्रश लेकर बैठे बैठे सो रहा था। ये अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? बागा। हाँ जेठालाल ने सबको 4 बजे यहाँ कंपाउंड में इकट्ठा कर दिया और खुद ही नहीं आया। इस वजह से चाचा जी बहुत गुस्से में, इसलिए इस वक्त कुछ मत बोल, कुछ मत पूछ। अच्छा ठीक है, मैं तो सब 10 मिनट हो गया ना? नहीं, अय्यर अंकल अभी भी 30 सेकंड बाकी है, पापा आ जाएंगे। ओ भाई सुना ना तुमने, अभी 30 सेकंड ही बाकी है, 30 सेकंड में अगर वो नीचे ना है तो बस लेके चले जा। पापा पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। चाचा जी इतना भी क्या स्ट्रिक्ट होना? हाँ चाचा जी, जेठा भाई अभी आते ही होंगे और हमें थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा? हाँ चाचा जी, जेठा अंकल ने इतने प्यार से हम सबके लिए सरप्राइज प्लान किया है। दादाजी अगर आप ये सब कैंसिल कर देंगे तो पापा का दिल टूट जाएगा, प्लीज इतना भी स्ट्रिक्ट मत होइए ना, पापा बस 5 मिनट में आ जाएंगे। देख टपुड़ा, जेठा अगर वक्त रहते आ गया तो वो जहाँ कहेगा हम सब जाएंगे, लेकिन अगर उसने देर कर दी तो बस पक्का वापस जाएंगे। चाचा जी टाइम इज अप, टाइम हो गया। भाई जा, बस को वापस भेज दो भाई, जेठे अभी तक नहीं आया। ए भाई बस लेकर जा। लाल बेकार में सबको 3 बजे उठाकर तैयार करवाया सामान के साथ, आता बस घर। कैंसल करो भाई, बाहर जाने का प्रोग्राम ही कैंसल करो, क्या गोकुल धाम में ही पतंग उड़ाते हैं? पोपटलाल क्या कैंसिल लगा रखा है भाई, शांत रहो ना। और चाची जी आप भी शांत रहिए प्लीज। प्लीज दादाजी 5 मिनट और, जेठा अंकल अभी आ जाएंगे। अरे भाई तू अभी तक खड़ा क्या है, तुझे बोला ना बस लेकर जाओ वापस। प्लीज चाचा जी, जेठा भाई आते ही होंगे। हाँ चाचा जी प्लीज, कितना मस्त प्लान बनाया है बाहर जाके पतंग उड़ाने का, हर साल तो इधर ही उड़ाते हैं हम लोग, प्लीज थोड़ी देर राह देखते हैं। और देखिए नींद जो है वो इंसान के बस में तो नहीं है, वो तो प्राकृतिक चीज है ना, जब आदमी नींद में होता है तो उसे होश नहीं होता है, तो फिर इतनी शक्ति बरतना ठीक नहीं है ना। तो बाकी सब लोगों की नींद क्या प्राकृतिक नहीं है? तो सब लोग सुबह 3 बजे उठ के तैयार होकर नीचे आ गए ना, जेठिया को सबक मिल नहीं चाहिए। बराबर है चाचा जी, बिल्कुल बराबर है, किसी के समय की कदर ही नहीं है जेठालाल को। नहीं चाचा जी आप बस को वापस भेज दीजिए और जेठालाल को ना वो सजा दीजिए, उसको रोज सुबह उठने को बोलिए 3 बजे, वो कंपाउंड के 30 चक्कर काटेगा ना रोज तो सुधरेगा। बराबर है, तू जा भाई जा, बस लेकर जा, खड़ा किए जी जा। अरे आ गया बापू जी, आ गया आ गया। आप बापू जी 10 मिनट के ऊपर सिर्फ 1 मिनट हुई है। जेठालाल तुम हाथ में ब्रश लेकर पलंग पर बैठे बैठे सो गए थे? अरे पोपटलाल जेठालाल कुंभकर्ण है, वो बैठे बैठे तो क्या खड़े खड़े भी सो सकता है। अय्यर भाई, अरे क्या अय्यर भाई, जेठालाल बिल्कुल सही बोल रहा है वो, तुम पहले इलाज करवाओ। किस चीज का? अपनी नींद का। अरे भाई मेरी नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल तो तुम जल्दी उठे क्यों नहीं?
अरे भाई क्या हुआ, आप सबको आज सरप्राइज देनी है ना, तो सरप्राइज के चक्कर में कल रात को इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत देर से नींद आई, इसलिए उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सॉरी। क्या सॉरी जेठालाल, आज तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, आज तुम्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी। अरे भाई हम सबको खुशी खुशी त्योहार मनाना है, कोई कोर्ट के थोड़ी लड़ना है, छोड़ना हमें। अरे क्या छोड़ना जेठालाल, यहाँ पे 19 लोग तुम्हारा सुबह सुबह 4 बजे इंतजार कर रहे हैं। और ड्राइवर अलग, वो भी बेचारा यहाँ आने के लिए कब से उठा होगा। अब तो सॉरी बोला ना भाई मैंने, अभी क्या माफीनामा लिख के दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, माफीनामा लिख के दो और चाचा जी को दो। ठीक है ला कागज पेन ला, लिख देता हूँ ला। क्या चल रहा है भाई भिड़े, तुम क्या है माफीनामा लिखो रे, सब बातें कर रहे हो भाई, अब जेठालाल आ गया ना तो छोड़ो ये सब। क्या मंटी में क्या आप भी? हाँ, और भाई मैंने ये सरप्राइज तुम सबको खुश करने के लिए रखी है भाई। पर क्या है कि हमारी यात्रा सुरक्षित हो सुखद हो इसलिए थोड़ा पूजा करने बैठ गया था, उसमें थोड़ा लेट हो गया बापू जी। और ये देखो पूजा का प्रसाद भी लेके आया हूँ, गुड़ और दही, ताकि शगुन अच्छा हो ना तो यात्रा में कोई तकलीफ नहीं आती। चाचा जी प्लीज जेठा भाई को माफ कर दीजिए, अच्छे काम में बिजी थे ना इसलिए देर हो गई। देखिए चाचा जी, जेठा जी का इंटेंशन जानबूझकर लेट करना नहीं था। चाचा जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। हाँ हाँ बापू जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, और फिर सेठ जी शाम को नहीं सुबह को ही आ गए हैं। हाँ हाँ माफ कर दीजिए ना चकमक चाचा जी। चकमक चाचा, चकमक चाचा जी नहीं बावरी जी, चंपक चाचा जी। गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी, मैं चाचा जी बोलती हूँ। हाँ हाँ माफ कर दीजिए चाचा जी। हाँ बापू जी प्लीज माफ कर दीजिए ना सेठ जी को प्लीज। दादा जी प्लीज पापा को माफ कर दीजिए ना। हाँ बापू जी माफ कर दीजिए ना प्लीज। चल अभी दही गुड़ लाया है तो सबको खिला तो दे। प्रसाद जेठा भाई मैं रह गया। हंस मैं भी? हाँ हम दोनों रह गए। सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए आती भाई। बहुत ही टेस्टी था। सबको मिल गया प्रसाद। अभी बापू जी निकले क्या, जितनी जल्दी हम लोग निकलेंगे उतने जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। जल्दी निकलेंगे। Well, मैं अभी आपको नहीं पूछूंगी कि सरप्राइज क्या है, but it better be good, huh? हाँ, गुड़ 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 था इसमें दही में, आया ना गुड़ का स्वाद? नहीं, आइए चलिए। नहीं नहीं गुड़ का स्वाद नहीं आया? हाँ आया था। हाँ आ गए सब आ गए, इस बस में तो आ गए, लेकिन तुम्हारे आगे बेबस है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। भाई जेठालाल बताओ तो, अब तो बताओ सब बस में भी आ गए, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो भाई, बस से क्यों उतर गए? नहीं छोड़ो अभी जाना ही नहीं है, छोड़ो छोड़ो। अरे जेठालाल बोल रहे जाना ही नहीं है अभी। क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे बापू जी परेशान कर दिया सबने पूछ पूछ के, कल से मैं बता रहा हूँ सरप्राइज है, फिर भी सबको सब कुछ पहले ही जान लेना है। अब तो ही नहीं पूछे। दोस्तों मैं आखिरी बार आप लोगों से विनती करता हूँ कि अभी मेहरबानी करके मुझे मत पूछना हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाते ही सबको पता चल जाएगा हम कहाँ गए। टप्पू गोली बेटा सब पर्दे बंद कर दो। गोगी बंद कर दे। बोलो गणपति बप्पा। कहाँ जा रहे हैं हम? नदी ये पहाड़
ये प्रकृति का अनुपम दृश्य, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। भाई हद कर दी जेठालाल ने, बताने को तैयार नहीं है। रात को 4 बजे सभी को उठा दिया नींद से, बस में बिठा दिया, बस के सारे पर्दे बंद हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस राह पे, कहाँ लेके जा रहा है जेठालाल हमें। भाई संक्रांति के दिन कैसी परेशानी है ये, और उससे बड़ा सवाल ये है कि हम गोकुलधाम निवासी संक्रांति मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, हम पतंगे उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे, जिसका उत्साह सभी के दिल में बेहद ज्यादा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी यात्राएं कितनी परेशानी भरी क्यों ना हो, लेकिन आपकी मंजिल ठहाक ही होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस एक दिन का इंतजार और आपके घरों में हंसी के साथ आपको पता चलेगा कि आखिर यात्रा कहाँ समाप्त होगी और क्या करेंगे हम लोग, और जेठालाल हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। एक ऐसी अभूतपूर्व छवि जो ना आपने देखी होगी न सोची होगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या जगह है यार टप्पू, वाह। ओए लेकिन यहाँ पे कोई पतंग ही नहीं दिख रही। हाँ यार नहीं, पतंग तो नहीं है यहाँ पे कोई। ये कहाँ लेकर आया हमें जेठा अंकल टप्पू? हाँ टप्पू यार आप बोल रहे हैं। अरे मुझे भी नहीं पता पापा कहाँ लेकर आए हैं, और इस सवाल का जवाब सिर्फ टप्पू के पापा ही दे सकते हैं। मस्त है, लेकिन ये जेठा ने अपना टाइम और पैसा वेस्ट किया। नहीं वेस्ट नहीं, मतलब इन्वेस्ट। अभी मुंबई से इतनी दूर हमें लेके तो आया, लेकिन संक्रांत मनाने के लिए कि पिकनिक मनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा। तो पिकनिक का शाला, उन्होंने बोला ना संक्रांति के लिए, तो संक्रांति के लिए आए हैं हम लोग। संक्रांति के लिए आया तो फिर मांझा कहाँ है, फिरकी कहाँ है, पतंग कहाँ है? उन्होंने बोला ना सरप्राइज है, तो सरप्राइज थोड़ा बाद में खुलेगा ना, थोड़ा धीरज रखिए। और सुनिए संक्रांत में सरप्राइज क्या वो तो नहीं पता, पर यार ये जगह इतनी रोमांटिक है कि तेरे साथ रोमांटिक गाना गाने की इच्छा हो गई है। इधर पतंग उड़ाने हैं, रोमांस का बाद में देखेंगे, पहले हम जेठा भाई को पूछते हैं कि पतंग उड़ाना की डर है। और सुनिए पूछते हैं पर जरा देख तो सही, एक तरफ लेक है, एक तरफ टेंट है, और हम दोनों का रोमांस का एग्रीमेंट है। मुंबई तो दूर, हमको ये ट्रेन सिटी में लेकर आ गया, अभी तक कोई सरप्राइज का पता ही नहीं है। अय्यर भी पेशेंट ना, पता चल जाएगा। नकली है, चलो। ये जेठा भाई भी कमाल करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करने का वक्त ही नहीं दिया, अब यहाँ से जहाँ जा रहे हैं पता नहीं वहाँ नाश्ता कब मिलेगा। ओ कम ऑन हंस, तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? मैं तो सरप्राइज को लेके एक्साइटेड हूँ। अरे एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, पर कोमल नाश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ओ कम ऑन हंस एंड एंजॉय। थैंक यू तारक। कर रहे हैं? बस प्रकृति के इस नजारे को देख रहा था अंजलि। कितना खूबसूरत नजारा है ना? कमाल का। वैसे आपको ये खूबसूरत नजारा देखकर कुछ कहने को दिल नहीं कर रहा? क्या कहूँ अंजलि, शायद इसी तरह के किसी खूबसूरत नजारे को देख के भरत व्यास जी ने लिखा होगा कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, शायद देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है? क्या बात है मिस्टर मेहता। वाह वाह बावरी जी, कितनी खूबसूरत जगह है। नहीं बाकी बहुत मजा आएगा। हेलो मेहता साहब। हेलो बागा। अरे ब्लू ब्लू सेम पिंक मंजली भाभी। मंजली भाभी नहीं बावरी जी, अंजलि भाभी। गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। अरे इट्स ओके। अरे क्या ओके भाई, अर्थ का अनर्थ हो गया, अंजलि और मंजलि भाई। अरे मेहता साहब। चले भाई मैं तैयार हूँ। कहाँ है आपके परम मित्र जेठालाल, और जाना कहाँ है? अरे भाई रेडी तो हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन पता ही नहीं है जेठालाल का, ये तो कतई पता नहीं है जाना कहाँ है। बोलो। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मेरा मन कह रहा है कि भाई ये सब कुछ अजीबोगरीब जरूर, लेकिन ये सरप्राइज जेठालाल का शानदार होगा। मेरे लिए तो तब शानदार होगा जब पतंग उड़ाते उड़ाते शादी का पेच लड़ जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सब होगा पोपट भाई, लेकिन पहले पता तो चले कि हमें जाना कहाँ है। एक मिनट, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसकी? अरे भाई कोई गारंटी नहीं, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है ये। अच्छा ऐसे। मेहता अंकल, पोपट अंकल, बागा अंकल, हाँ जल्दी चलिए, पापा हम सबका वेट कर रहे हैं। अरे चलो 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 चल चलेगा, सरप्राइज का मालूम चलेगा भाई क्या है। कंधे पे ऐसे हाथ रखा तो चलेगा। हाँ ओके। अरे क्या आ गया टप्पू से ना, कहाँ थे तुम लोग भाई? पापा हम सबको बुलाने गए थे। तो कहाँ है सब? आ रहे आ रहे सब लोग आ रहे। तो चलो तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो। सरप्राइज की है, सबको पता चल जाएगा, एक साथ में बताऊंगा। बैठो बैठो, बस में बैठो पहले। ठीक है आ जा, सुनिए बैठ जा, आ जा आ जा। चलो अरे किधर है सब? आगे आगे भाई, आगे। क्या सेक्रेटरी साहब, जब से गोकुलधाम से निकले मैं बोल रहा हूँ, बताओ तो भाई कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी जगह है, ये बता ही नहीं रहे हो तुम। ठीक है बताता, ये तंबुओं का शहर है। बम्बुओं का शहर? अरे बम्बू नहीं है यार भाई, तंबू। बबीता जी टेंट सिटी है यार। अरे बहुत मेरे को भी मालूम है, लेकिन हम लोग जेठालाल है किधर? अरे वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ, जेठालाल को बता ही नहीं रहा है। अभी कोई हमसे पूछेगा कि संक्रांति में कहाँ घूमने गए थे, तो पता नहीं कहीं तो भी गए थे, कैसा लगता है सुनने में? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई भिड़े इतनी धीरज रखिए, थोड़ी और धीरज रख, मैं कह रहा हूँ ना भाई मजा आएगा, जबरदस्त सरप्राइज है। प्लीज प्लीज बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो बैठो। तो उड़े बोलती है बैठो बैठो। बबीता जी कहना पड़ेगा जबरदस्त लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सो मच जेठा जी, आपका भी शर्ट इतना क्यूट है ना, और लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ये। पीछे पीछे भी देखो पीछे। अरे क्या बात है। ओ जेठालाल क्या हुआ, नबिता को आने क्यों नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, अरे मैं कौन होता हूँ इनको रोकने वाला, मैं तो ये कह रहा था कि आज आप बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अरे थैंक यू जेठालाल, तुम्हारे मुझे मेरा तारी तुमके मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं होता, कहना पड़ेगा आज आप एकदम मौली लग रहे हैं, लवली लवली लग रहे, लवली। थैंक यू सो मच बबीता। नाइस शर्ट है। थैंक यू ऑफिसर जी। अरे चलो अभी कौन है बाकी? सेठ जी हमें ये तो बताइए कि एग्जैक्टली हम लोग हैं। सब बात में बात करते हैं। नहीं चलो बैठो बैठो। मेहता साहब कितनी, ओहो अंजलि बाबी क्या लग रहे हैं आज आप एकदम सायोनारा। अरे हाँ भाई, ये सायोनारा लगने के चक्कर में इस नारी ने टाइम लगा लिया था यार, उन्हें इतना टाइम लगा कि पूछो मत यार। नहीं को टाइम नहीं लगाया, टाइम मुझे लगा, ये तो पहले आ गई थी, मैं लेट हो गया। चले चले बैठिए बैठिए, बस में बैठिए बस में। अच्छा एक बात बताओ ना यार, मैं परम मित्र होने के नाते मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। बताओ तो हम लोग जो है ना मेहता साहब, दरअसल यहाँ से पहले बस में बैठिए, आइए आइए आइए, बाद में सबको बताऊंगा, सरप्राइज है भाई। चलो कौन है अभी बाकी? जल्दी जल्दी चलिए। अरे जेठा भाई जल्दी कैसे करूं, नाश्ता नहीं किया ना तो एनर्जी नहीं है। अरे आती भाई अगर आप जल्दी चलेंगे तो उधर स्वादिष्ट से नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा हाँ। अरे उधर मतलब किधर जेठालाल? अरे चलो अरे अरे चलो अरे चलो बाबा आई 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 चलो, लगता है सब आगे। चल चलो चलो चलो, मैं आगे 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 मैं आगे। चलो सॉरी अभी फूल हो गया बस। चलो भाई। अरे क्या फूल हो गया भाई, अभी चाचा जी भी बाकी है। बापू जी बाकी है? अरे वो तो सबसे पहले तैयार हो गए थे। हाँ मैं उन्हें ही ढूंढने गया था भाई, उसी में लेट हो गया। तो कहाँ है बापू जी? मैंने बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिले। जेठालाल
अरे भाई 10 मिनट शांति रखने, भाई मैंने बोला ना भाई बता दूंगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सरप्राइज है, बहुत मजा आएगा। अरे पर वो बात है ही नहीं। अरे भाई जो भी बात है अभी तो टेंशन है, बापूजी मिल नहीं रहे, खो गए, मैं उनको ढूंढ के आता हूँ एक मिनट। अरे चलो चाचा जी, बापूजी बस में है। अरे चलो भाई चलो, अभी मैं मिल गया ना तुमको। चलो यार क्या करो, चलो यार। अरे क्या करो, अरे ऑटोमेटिक होता है भाई। आ तो करो ना भाई, ड्राइवर किधर है? ड्राइवर बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो। आएगा आएगा, वो टाइम लेता है, आएगा। हाँ आ गया, चलो मुझे पता है बापूजी वो क्या पूछ रहे हैं। बापूजी धीरज ही नहीं है, 5 मिनट बाद बस अभी पहुंच गए, 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा, ठीक है? आदमी बाबी जरा बिजी हो ना प्लीज ना। दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म, पहुंच गए हैं हम। वो देखिए वो चाचा जी, वो पतंग। वाह वाह वाह, गजब गजब, क्या बात है सेठ जी, मजा आ गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सामने देखिए। My goodness! Oh, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा, और उसके सानिध्य में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। क्या बात है जेठालाल, थैंक यू सो मच भाई। और जेठिया, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना? हाँ वही वही। अनुपम अद्वितीय, क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया, वाह। लोखंडी पुरुष। दोस्तों इस बार गोकुलधाम की संक्रांत पूरे देश के ही नहीं दुनिया के एक से एक बढ़िया काइटिस्टों के साथ यह पतंग उत्सव में होगी। क्या बोला तुमने जेठालाल, काइटिस्ट? क्या काय, वो पतंगबाज। यहाँ मैंने सुना है वो लोग पतंगबाज को काइटिस्ट बोलते। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, अद्भुत हाँ जेठिया, अद्भुत। वाह 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 पापा, दिस इज माइंड ब्लोइंग। है ना है ना, तो पछी बापू जी टपू से ना भिड़े। देखो मैंने अगर बताया होता है सरप्राइज के बारे में तो इतना मजा आता नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सेठ जी, नहीं आता। बोलो फिर। यस जेठा जी, एंड थैंक यू सो 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 मच फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। जेठा जी थैंक यू, आप आए। अरे
वाह जेठा वाह, दिल खुश कर दिया तूने। अरे बापूजी। अरे अरे। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। और सच कहूँ तो दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से इस बार ये मेरी सरप्राइज में कोई लोचा नहीं हुआ। और दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो मेरी तारीफ कर रहे तो तारीफ का हकदार मैं नहीं, तारीफ का असली हकदार कोई और है। जिन्होंने मुझे आइडिया सुझाया और हमारा यहाँ आने का ये पतंग उत्सव में शामिल होने का पूरा आयोजन किया। अच्छा कौन कौन? एक मिनट अभी अभी बुलाता हूँ उनको। अरे जेठालाल, ओ जेठा भाई कैसे? हाँ कहाँ हो आप, हम लोग आ गए यहाँ पे। अरे भाई मैं इधर ही हूँ, पतंग महोत्सव में हूँ। अरे तो हम लोग भी यही है जहाँ सब पतंग उड़ा रहे, आप कहाँ है? अच्छा आप किधर है? अभी कहाँ हो तो एक तो ये सफेद पट्टा कुछ ऐसा दोरा हुआ है इधर, वो पट्टे के ऊपर खड़े है। हाँ इधर इधर, मैं आपके राइट में हूँ। अरे एक मिनट इधर कट जाएगा। अरे राइट में हूँ। अरे अरे मैं आया, चलो चलो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। पूछो एक मिनट, अब जरा ले लो बराबर है। अरे यार संभालो जरा। हाँ ओके ओके। बाबूजी गोकुलधाम सोसाइटी का ये पतंग महोत्सव में स्वागत है। मतलब इस सारे जबरदस्त सरप्राइज के पीछे आप थे, आपका आता है? बोलो। अरे मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी हमारे यारों दोस्तों की सोसाइटी है, तो मैं भी ये पतंग महोत्सव में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी आ जाए, तो फिर मैंने बस जेठालाल को फोन किया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जेठालाल उस दिन जब संक्रांति की बात चल रही थी और तुम अलग जाके फोन पे बात कर रहे थे, बड़े खुश खुश थे, वो फोन आसिद भाई का था? तो इनका ही फोन था। इन्होंने बोला मुझे फोन में कि देखो ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ वो पतंग उत्सव में और वहाँ ये प्रतिमा भी देखने जा रहा हूँ, तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। मैंने बोला सवाल ही नहीं, आते ही है हम लोग। और फिर मैंने मनी मन ये सरप्राइज का पूरा आइडिया ऐसे घड़ा। सवाल असद भाई, आपको बहुत 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 धन्यवाद, तुझी तो दिल खुश कर देता। अरे रोशन सिंह सोडी, आप लोगों ने मेरा दिल भी रोशन कर दिया। चलो ये खुला आसमान हमारी राह देख रहा है, चलो भाई पतंग उड़ाते हैं। टप्पू, दुनिया भर के पतंगबाज यहाँ पे आए अपना कर्तव्य दिखाने, तो तुम भी अपना जलवा दिखा लेना। Yes, yes, Asid अंकल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो। क्या देख रहे हैं मेहता साहब? जेठालाल क्या कहूँ तुम्हें यार, हमारे महान इस देश के राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्भुत प्रतिमा, विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा देखने की इतनी इच्छा थी ना, पूछो मत, कमाल कर दिया यार तुमने। अरे मेहता साहब, कल ये प्रतिमा नजदीक से देखने का पूरा प्रोग्राम है। क्या बात कर रहे हो, नजदीक से देखने को? एकदम एकदम, आसिद भाई ने सब फिक्स करके रखा है। अरे यार आई 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाखों धन्यवाद, क्या बात है यार। अभी पतंग का लुफ्त उठाते हैं, चलो चलो चलो। आकाश में छाए हैं इंद्रधनुष के रंग और शान से उड़ रही है हम सब की पतंग। गोकुलधाम की मंडली मैदान में है खड़ी, लिए पतंगे छोटी और बड़ी, निकल आई है पतंग और डोर और पतंगी पतंगे चार और पतंगे दाएं जाएं बाएं जाएं, नृत्य दिखाएं इठलाएं झूमे घाएं और आसमान में अपने रंग दिखाएं। यहाँ पतंग उत्सव जो चल रहा है हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सानिध्य में, ये संक्रांति का उत्सव ऐसे ही जारी रहेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ए जीरे पोपटल का जो कह रहा था मैं पतंग के साथ शादी के पेट लड़ाऊंगा। पता नहीं कहा है,
ये हेलमेट तो मेरे हेलमेट जैसी दिख रही है, ये इधर कैसे? एक मिनट। हाँ हाँ देख देख देख। पोपटलाल, हाय। हाँ। तुम्हें मेरी हेलमेट कहाँ से मिली? वो मैंने माधी भाभी को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दी मुझे। अरे देखिए तुम हेलमेट पहन के क्यों पतंग उड़ा रहे हो? अरे भाई कल बात हुई थी ना, ये पतंग के मांझे से वो चेहरा कटने की घटना बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए मैं वो हेलमेट पहन के पतंग चगा रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे मेरी हेलमेट दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, वो हेलमेट पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। अरे भाई मेरे चेहरे पे स्क्रैचेस आएंगे तो वो चलेगा तुझे? पोपटलाल तुम जरा सोचो, यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ है जो पतंग उड़ा रही है, हेलमेट पे तुम्हें वो कैसे देख पाएगी? अच्छा कैसे देख पाएगी वो तुम्हें? बराबर है बराबर है ना। तो एक काम कर, जरा निकाल दे हेलमेट। निकाल 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 निकाल। ए आराम से आराम से आराम से। हाँ देखो देखो कहाँ है खूबसूरत लड़कियाँ। ए भिड़ा ए भिड़ा। पोपटलाल क्या ये संक्रांत के रंगीन त्योहार में कोई जिंदगी की फिरकी पकड़ने वाली मिली कि नहीं? अरे नहीं भाई वही ढूंढ रहा हूँ मैं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। चलो तुम भी जरा ढूंढो ना, तुम्हें भी मेरे लायक कोई सुकन्या मिले तो जरा देखना। हाँ जरूर जरूर जरूर। कम ऑन यार। अरे यार भाई क्या कर रहे हैं माधवी? मेरा हेलमेट तुमने दिया था पोपटलाल को? हाँ, वो पतंग काट ली आपली। अब जाऊं दे ना पतंग, वो तो कटनी थी। तुमने मुझे बिना पूछे हेलमेट दिया क्यों? वो ऐसे कहा है, वो घर पे आए थे पूछने के लिए हेलमेट है तो मैंने दे दिया। हेलमेट को कुछ हो जाता है, स्क्रैचेस पड़ जाते तो? चेहरा बचाने के लिए हेलमेट होता है ना, इसलिए दे दिया मैंने उनको। अरे हेलमेट होता है बाइक चलाते वक्त पहनने के लिए, पतंग उड़ाते वक्त कोई पहनता है हेलमेट? अभी आई दस अगर पूछे तो मत देना, समझे? मैं अभी रख रहा हूँ वापस। पतंग क्या हो रहा है? ये पतंग उड़ नहीं रहा है, लग रहा हवा कम है। हा? हा? क्या हुआ बबीता जी, पतंग उड़ नहीं रहा है? वो अय्यर कोशिश तो कर रहे पर लगता है हवा कम है। अरे नहीं हवा तो भरपूर है अय्यर भाई, मुझे लगता है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। काम करो लो मुझे ये एक मिनट, नहीं एक मिनट पतंग आप पकड़ो, आप पकड़ो और दूर जाके थोड़ा सा इसको छुड़ा ना, हाँ फटक से वो उड़ जाएगी। हाँ आप ये फिर के पकड़ना, ये इसको ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे जुड़ाना है। हाँ 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 कुदी मार के, ठीक है जाओ उधर जाओ। ओके ऐसा ऐसा ऐसा। अमिता जी क्या है ना, ये पतंग उड़ाना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए स्पेशल आवड़त चाहिए। बुरा मत लगाना लेकिन अय्यर भाई में वो आवड़त नहीं है। याद आ रहा ठीक है? अरे नहीं अय्यर भाई दूर जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा दूर जाओ यार। बबीता जी मेरा क्या है ना, मैं बचपन से ये पतंग चगाने का मुझे बहुत शौक है। तो मेरी तो गड़थुती में ही है पतंग चगाना। गड़थुती मतलब? मतलब मेरी रग रग में है, बचपन से ही मुझे आता है पतंग चगाना। जय दलाल यहाँ थे? अरे नहीं अय्यर भाई थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। अरे और कितना आगे भैया? जय दलाल। अरे चलते चलते मैं डैम में गिर जाएगा। अरे भाई नहीं गिरोगे भाई, थोड़ा दूर जाओ वरना ये पतंग उड़ेगी नहीं, थोड़ा दूर जाओ। क्या दूर जाइए? ओके सुविता जी। क्या बताऊं आपको, इस बार की संक्रांत ना मेरी जिंदगी की सबसे सबसे बेस्ट संक्रांत है। नर्मदा किनारे आप फिरकी पकड़ के खड़े हैं और मैं पतंग चगा रहा हूँ, इससे अच्छा जिंदगी में और क्या हो सकता है? अरे चीठा जी आप भी ना। नहीं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे फोन है। अरे अय्यर भाई। हाँ यार भाई क्या हुआ, फोन क्यों किया आपने? अरे क्या 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 हुआ, अरे कब से मैं चिल्ला रहा हूँ जय दलाल जय दलाल, तुम सुनता ही नहीं है। पर आप चिल्ला क्यों रहे थे? अरे तुम सुनेगा नहीं तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना। पर इतनी दूर से आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा यार भाई? तो जय दलाल इतना दूर तुमने ही मेरे को भेजा ना। हाँ बराबर बराबर। हाँ तो फिर अभी क्या करूँ? हाँ बस अभी मैं अभी फोन रखूँ ना, आप भी फोन रखो, उसके बाद दोनों हाथों से ऐसा कुदी मार के वो पतंग को छुड़ाना, ठीक है? समझ गया। एक मिनट। ओके चलो अब फोन काटो।
सब ठीक है ना? हाँ। मैं ऐसे क्या बात है जेठा जी, वाओ। अरे अरे थोड़ा तो ढीला ना दो, ढीला ना दो। ये देखे बबीता जी, ये ना ये मेरा हाथ का देखे, ऐसे ऐसे टिचकी मारते हैं। अच्छा ओके देखा देखा। हाँ लुक सो इजी। अभी अभी आप पकड़े, आप चगाइए, मैं फिर की पकड़ता हूँ। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या मस्त चगा रहे हो पतंग। अरे गोकी बेटा क्या हुआ, पतंग नहीं उड़ रहे? नहीं उड़ रहा है, देखो ना। एक काम कर बेटा, ओ अय्यर अंकल बहुत मस्त छुड़ाते हैं पतंग, उनको दे, वो दूर जाके छुड़ाएंगे ना तुरंत उड़ जाएगी। थैंक यू अंकल, लव यू। हां ले जा ले जा, ऊपर ले जा, करेगा बराबर बराबर बराबर। ओह माय गॉडनेस। अय्यर अंकल मेरी पतंग उड़ा दीजिए ना प्लीज। अरे प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके चल ले जा ले। क्या टिचकी मार रही है, वाह बबीता जी वाह। अय्यर अंकल थोड़ा डील दीजिए ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। यही तो है हमारे हिंदुस्तान के त्योहारों की मजा। ठीक है मेरी एक हाथ से आप तो एकदम क्या प्रोफेशनल हो गए हो, पतंग चलाने वाले। नहीं नहीं एक हाथ से चला रहे। वाह 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 वाह। ओह माय गॉड कितना ऊंचा गया ये। अय्यर भाई ये जरा कोमल पतंग चगा रही तो दिल दिलवा दीजिए ना। अरे डॉक्टर आदेब, अरे मुझे भूख लगी है, वो गोली चिक्की खा रहा है ना, तो प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे आ रहा हूँ। अरे अय्यर भाई जल्दी करवा दीजिए। गोली ला लो। आया आया पापा आया। पोपो अरे इधर अकेले क्या कर रहा है, चल चल सबके साथ मिलके पतंग उड़ाते हैं। चल चल चल। नहीं 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 छोड़े, अभी मैं हाँ जिस पतंग को उड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो पतंग उड़ाऊंगा। ऐसी कौन सी पतंग है भाई जिसे उड़ाने के लिए तू यहाँ आया, कोई विशेष पतंग है? जी 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 विशेष पतंग है। कौन सी भाई? ये खास पतंग है और इस पतंग का नाम है लग्नोत्सुक पतंग। लग्नोत्सुक पतंग ये देखो ये देखो। एड्रेस फोन नंबर सब उड़ा भाई, ये पतंग उड़ाने तो बहुत जरूरी है। उड़ा भाई मैं ये लग्नोत्सुक पतंग उड़ाऊंगा और ये पतंग पर जिस किसी सुकन्या की नजर पड़ेगी वो मुझे फोन करेगी और फिर मेरे जीवन की डोर जो है वो तेरे जीवन की डोर हमारी होने वाली भाभी के हाथ में आ जाएगी। मैंने इसे उड़ा तो सही भाई, उड़ा 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 उड़ा। आज यहाँ पे हो रहा है एक बहुत ही शानदार काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग महोत्सव। हेलो आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात सूरत से। वाओ बहुत ही शानदार पतंग है, ये है गुजरात के सूरत से, आइए मिलते हैं इनसे। हेलो आप कहाँ से हैं? मुंबई से है, गोकुलधाम सोसाइटी ना मुंबई में, वहाँ से खास पतंग उत्सव के लिए यहाँ आए हैं। वाह क्या बात है, आप इतनी फेमस गोकुलधाम सोसाइटी से यहाँ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अरे हमको इधर आके बहुत बहुत मजा आ रहा है, कितनी रंग बिरंगी पतंगे हैं, देश विदेश से आई है, बहुत मजा आ रही है, खरे मैं बहुत खुश खुश हूँ। माहौल ना एकदम से सतरंगी हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। और वैसे सतरंगी प्रकार के अचार पापड़ भी बनाते हैं। हाँ, नहीं वो बाद में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए इस काइट फेस्टिवल में, ऐसे यहाँ पे एंजॉय करते रहिए। और मैं हूँ दिव्या रिपोर्टर तड़का से। Hello, my name is Trent Baker from Australia. Namaste. Namaste. मैं चंपकलाल. चंपकलो? नहीं, लोल नहीं, लाल लाल. चंपकलो? लाल, चंपकलाल, गड़ा. गला, गला? ये गाड़ा. अरे गाड़ा नहीं, गड़ा भाई, गड़ा, गड़ा. गड़ा? हाँ. Can you be my teacher? Teacher? अच्छा टीचर चाहिए, एक मिनट। ए बिल्ली मास्टर बहुत अच्छा टीचर है। नो नो यू टीच मी, मुझसे सीखना। नो नो यू टीच मी टू फ्लाई योर काइट।
नहीं सीखना है। You teach me to fly your kite, your style. अच्छा अच्छा, ओह, पतंग उड़ाना सीखना है अच्छा। Hello. जी? Excuse me, वो myself अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ओके। और आप? मैं दिव्या तड़का टीवी से। ओ तड़का टीवी? Yes. तड़का टीवी मैं रोज देखता हूँ। अच्छा। गजब का चैनल है। जी। और वो क्या नाम बताया आपने? दिव्या। अच्छा वो तड़का टीवी वाली दिव्या? से मैं सोचूं कि मैंने कहीं आपको देखा है गजब गजब न्यूज़ पढ़ती है। जिस खूबसूरती से आप मतलब न्यूज़ को पढ़ती है ना, वो बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू पोपटलाल जी, थैंक यू सो मच। एक सेकंड जी, एक और सवाल पूछना था। पूछिए। आप फिरकी पकड़ेंगी? व्हाट? मेरा मतलब है, मैं सालों से अपने जीवन के पतंग की फिरकी पकड़ने वाली को ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो आपको अगर एतराज ना हो तो आप मेरे जीवन की फिरकी पकड़ेंगे? ओह, एक्चुअली क्या है पोपटलाल जी, मैं जिनकी रोज फिरकी लेती हूँ ना, उनका फोन आ गया। मेरे हस्बैंड का। हेलो। चिक्की खाओगे? चिक्की? चिक्की? चिक्की, चिक्की। यस। मिठाई? स्वीट, 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 यस, स्वीट। ये पकड़ो। पूरा? हाँ। ओ ध्यान रखना पतंग। ये थैंक यू। चखो चखो कैसी? वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ अभी उड़ाओ, उड़ाओ, उड़ाओ। मिस्टर जेम्स, इट्स टाइम टू गो नाउ। इट्स टाइम टू गो। ओके। या प्लीज प्लीज, इट्स टाइम टू गो। जवानू छे, जवानू, 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 जाओ जाओ भाई जाओ। प्लीज प्लीज। ये नर्मदा जिले के जो मेवासी आदिवासी लोग हैं, उनका पारंपरिक नृत्य है। और ये नृत्य इन लोगों की ताकत दिखाता है, और सभी वार त्योहार पर ये नृत्य किया जाता है। हम ना ये डांस सभी को दिखाते हैं। जा जा, तू बुला के ला। से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छले भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए।
तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। तो अभी ये हमने दूर से प्रतिमा देखी है, अभी कल सुबह हम नजदीक से यही विश्व की ऊंची प्रतिमा को हम देखेंगे। अच्छे से आराम कर लो, सुबह ताजा मजा होके हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है? बबीता जी मजा आया? बहुत 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 ज्यादा मजा। बहुत 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 पैसा वसूल बाबू जी, मजा है ना? अरे बहुत बहुत। बस अभी आराम करते हैं, सुबह ताजा मजा होके आते हैं। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। ये देखिए आ गए, देखिए भाई 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 भाई। सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक, सैकड़ों रियासतों को एक करके इस देश को आकार देने के प्रमुख शिल्पी। उन्हें अगर हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों में याद करूं तो उन्होंने लिखा कि यही है प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही है शक्ति की शिला अटल, हिला जिसे सका न कभी शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है, पटेल देश का निगह बान है, पटेल हिंद की निडर जबान है, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और आज इस भव्य और ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची इमारत के नीचे हम तमाम हिंदुस्तानवासी जब खड़े हैं, जब हमने दर्शन किए भारत रत्न सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की इस भव्य प्रतिमा के जो विश्व में सबसे ऊंची है, आज मेरा ही नहीं, गोकुलधाम निवासियों का नहीं, तमाम भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा है कि हमने ऐसा राष्ट्र गौरव पाया, हमारे राष्ट्रनायक ऐसे हैं। और यहाँ इस परिसर में गोकुलधाम निवासियों की, हमारे तमाम साथियों की यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी और आपके लिए हम लाते रहेंगे मनोरंजन, हंसी और ज्ञान भी। बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.